हेलो साथियों, तो कैसे आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में लेके आए एसएससी एमटीएस 2022 और 23 दोनों भर्ती के बारे में बात करेंगे कि इसकी रिजल्ट कब तक आएगी। एसएससी एमटीएस 2022 वाली भी और 23 वाली भी A to Z जानकारी आपको मिलेगी कि ये भर्ती के लेके पूरी जानकारी कि इसकी फाइनल मेरिट तक कब तक आने की संभावना है 2022 वाले की, और 2023 के जब ये हाल में एग्जाम खत्म हुए उसके रिजल्ट कब तक आएगी। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस भर्ती 2022-23 के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, 2022 में वैकेंसी अच्छा खासा आया था, यानी कि 12,523 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी, जिसकी एग्ज़ाम आपको मई में लिया गया था। मई और जून में आपको एग्ज़ाम हो गई थी। इसके बाद पता है ना आपको, एसएससी एमटीएस हवलदार में हवलदार पोस्ट के लिए फिजिकल होती है, यानी कि जो हवलदार पोस्ट होते हैं तो हवलदार पोस्ट के लिए फिजिकल ओनली होती है, एमटीएस पोस्ट की नहीं होती। यानी कि हवलदार जो पोस्ट होते हैं उनमें आपकी फिजिकल होती है। तो फिजिकल की हम बात करें कि सबसे पहले एसएससी एमटीएस में 2022 वाले में, क्योंकि इसमें जब मई जून में एग्ज़ाम हो गई तो मई जून में एग्ज़ाम एमटीएस का भी, एमटीएस पद के लिए भी और हवलदार पद के दोनों का एग्ज़ाम जो होती है रिटर्न एग्ज़ाम, वो रिटर्न एग्ज़ाम सेम होती है, दोनों के एग्ज़ाम सेम होती है। दोनों के एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आपको नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद जो हवलदार है उसके लिए फिजिकल दिया जाता है। सबसे पहले जो आप क्वालिफाइड रहेगा, जो इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क जो होती है, वो क्वालिफिकेशन मार्क आप पास करने के बाद आपको जो हवलदार पोस्ट हो फिजिकल, अब फिजिकल बहुत नॉर्मल होती है, कुछ ज़्यादा हार्ड होती नहीं है, नॉर्मल से फिजिकल होगी वो पास कर, ये पास होने के बाद इसके रिजल्ट दिया था। यानी कि एसएससी एमटीएस 2022 वाली की हम लोग बात कर ले, 2022 वाली की, तो इसकी जो रिजल्ट होती है वो रिजल्ट प्रकाशित किया गया। अब इसकी फाइनल मेरिट जो रिजल्ट होती है, जो आपको फाइनल मेरिट जो दिया जाएगा, वो फाइनल मेरिट रिजल्ट अभी तक नहीं आई है, और ये कब तक आएगी इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसकी फाइनल मेरिट कब तक आएगी उसके बारे में बात करें। इससे पहले आपको बता दें, एसएससी एमटीएस 2023 वाली वैकेंसी में, जिसमें टोटल 1558 पोस्ट पर जो वैकेंसी है, तो 1198 पोस्ट आपको एमटीएस के लिए है और हवलदार के लिए ओनली 360 पोस्ट है। तो एमटीएस पोस्ट, हवलदार पोस्ट दोनों के लिए, तो एमटीएस हवलदार के एग्ज़ाम जो रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं, दोनों को एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है। अब जो होगा हवलदार पोस्ट में, जो भी कैंडिडेट फॉर्म दिया, यानी कि जो ऑप्शन आप भरे होंगे, ऑप्शन जब जॉब के लोग ऑप्शन भरेंगे तो उस टाइम आपने एमटीएस फर्स्ट दिए होंगे या हवलदार, अगर जो हवलदार के लिए होंगे वो हवलदार फर्स्ट में दिए होंगे। अगर इन लोग का होगा कि इन लोग का फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जब ये लोग क्वालिफाई कर जाएंगे तो इन लोग को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाए। इनका फिजिकल अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है कि इनकी फिजिकल कब होगी, इनकी फिजिकल लगभग इसी महीने में होने वाली है, अभी डेट कंफर्म आपको नहीं बता सकते हम, लेकिन इसकी फिजिकल होगी। इसकी फिजिकल होने के बाद ही आप इसकी रिजल्ट आएगी, तो इसकी रिजल्ट आने की उम्मीद अभी बहुत कम है, क्योंकि अभी 22 वाली रिजल्ट आई नहीं है। जब तक 22 वाली रिजल्ट नहीं दिया जाएगा तब इसकी रिजल्ट आने की कोई संभावना, हाँ बाकी इसके आंसर की जाली हो चुकी है, आपने अपने आंसर की चाहिए के होंगे, इस हिसाब से आप पता चला होगा कि मेरी कितनी मार्क आ रही है। तो दोस्तों, RTI लगाने के बाद जो उसकी रैंक जो जारी होती है, रैंक में देखा गया सबसे हायर रैंक जो आया था वो 89 आया था, 89 आया था, और मिनिमम 69 आया था। एवरेज जो निकाला जाता है इस हिसाब से हम बता रहे हैं आपको, एवरेज जो मार्क होते, एवरेज मार्क 89 आया था, तो 89 एवरेज आया है। तो आप लोग ने मार्क देखा हो तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगी, और नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा किया जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन जो होगी आपकी, नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा किया जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन हम बात करें तो लगभग 10 से 15 नंबर आपकी इंक्रीज होगी, इतना नंबर आपको इंक्रीज होने की पूरी उम्मीद रहेगी 2022 वाले में। और इसमें एग्ज़ाम अटेंडेंस भी बहुत कम रहा है, यानी कि लगभग 41.16% अटेंडेंस रहा है, यानी कि लगभग 41 लाख फॉर्म भराया गया था। जो 41 लाख फॉर्म भराया गया था उसमें अगर इसका 50% भी कर दीजिए तो आप 20.5 लाख लगभग, तो 10-12 लाख 15 लाख के आसपास कैंडिडेट ने इसके एग्ज़ाम दिए, बहुत से एग्ज़ाम इन्हें ड्रॉप किया। तो दोस्तों, ड्रॉप करने की एक वजह यह है कि पिछले साल से वैकेंसी भी कम थी, क्योंकि 2022 में आपको जो 12,523 पोस्ट होती थी, इस बार आपको 1558 पोस्ट है, इस वजह से बहुत से कैंडिडेट है इसकी वैकेंसी जो होती है एग्ज़ाम वो ड्रॉप किया है। तो ऑफकोर्स, और 2022 वाले में जिसके लग रहा है कि मेरे नंबर अच्छा खासा है तो वो 23 वाले में अप्लाई किए नहीं होंगे, क्योंकि नंबर अच्छा खासा है तो 23 में वो फॉर्म एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, इस हिसाब से कटअप जाए। अब इसकी हम फाइनल मेरिट के रिजल्ट की बात करें कि फाइनल रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद। तो दोस्तों, इसकी रिजल्ट आपको ये अक्टूबर 2023 जो अभी चल रही है, तो दोस्तों अभी अक्टूबर चले, तो अक्टूबर ये लगभग 20 से लेके
20 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर के आसपास में इसके रिजल्ट जो फाइनल मेट होती है वो रिजल्ट इसकी प्रकाशित कर दिया जाएगा। 20 अक्टूबर तक इसके रिजल्ट आ जाएगा। अब इसकी फाइनल ज्वाइनिंग कब तक होगी, इसकी ज्वाइनिंग की बात कर ले तो ज्वाइनिंग में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ज्वाइनिंग कब तक होगी, ज्वाइनिंग में टाइम लेगी क्योंकि इसके बाद आपको डीबी होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो ज्वाइनिंग में अभी टाइम है। पहले डीबी होगी इसके बाद ज्वाइनिंग हो, तो ज्वाइनिंग में अभी टाइम लगेगी। लेकिन हाँ, अक्टूबर मंथ में लास्ट तक इसकी जो आपकी रिजल्ट है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा और अक्टूबर मंथ में ही आपको इसकी जो फिजिकल है 2022 वाली हवलदार पोस्ट के, इसकी फिजिकल आपको 2022 में ही ले लिया जाएगा, यानी 2023 में ले लिया जाएगा, जो आपकी अक्टूबर लास्ट हो या नवंबर में आपकी ख़त्म हो जाएगी रिजल्ट। और इसकी रिजल्ट लगभग नवंबर एंड में या दिसंबर फर्स्ट वीक तक इसकी जो रिजल्ट होती है वो प्रकाशित किया जाएगा। तो ये भी वैकेंसी देखिए एसएससी एमटीएस हवलदार की बैक टू बैक वैकेंसी आई है, लेकिन दोस्तों ये कन्फर्म है कि ये वैकेंसी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब एक साल के अंदर में ही फॉर्म भराकर एग्ज़ाम लेके फिजिकल करा के फाइनल में जाकर आपको ज्वाइनिंग तक लेटर दे देगी। ये कन्फर्म रही आप जो भी कैंडिडेट की अच्छा खासा नंबर आया है, रिटर्न में कितने नंबर आया है एसएससी एमटीएस 2022-23 वाली में, तेईस वाली में आपने आंसर की चेक किया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करिएगा किस कैटेगरी से आते हैं और आपकी कितनी मार्क आई है आंसर की चेक करने के बाद। और 2022 वाली वैकेंसी की बात करें तो इसकी रिजल्ट आपको 20 अक्टूबर के बाद कभी भी आप देखने को मिल जाएगा, हो सके तो इससे पहले भी है लेकिन लेटेस्ट है कि 20 से 25 अक्टूबर के बीच में इसकी रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने चेक किया होगा, बस इतना ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना था बस लोगों को इतना ही, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट है जो कमेंट कर रहे थे सर बताइए इसके रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो दोस्तों रिजल्ट आने की संभावना इसमें बहुत बना हुआ है, बहुत जल्दी 2022 वाले के रिजल्ट आ जाएगी। जगन्दे जब ही तो आपको 22 वाले रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा उसके कुछ ही दिनों बाद इसकी फिजिकल ले ली जाए, जब इसकी फिजिकल हो जाएगी तब आपको इसके रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।